तो बच्चों अभी तक अपन ने बात करा किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो मोटी मोटी दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि वेन लाइट रे इज कम फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड इंटर्ड इन टू रेयर मीडियम, इफ इन केस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन दिस लाइट रे विल रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द लाइट रे शुड कम फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों इतनी हमने बात करा था किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। बच्चों उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनास के ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग सुने हैं, लेकिन वो क्यों होता है, क्या कारण है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला जो ऑप्टिकल इल्यूशन है वो है बच्चों मिरर्स इन डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में हम लोग देखते हैं कि बहुत दूर हमको कहीं पानी का आभास होता है, तो वो जो पानी है नहीं एक्चुअल वहाँ पे, लेकिन हम दूर से देखते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ पे पानी हो सकता है। तो ये जो एक ऑप्टिकल इल्यूशन है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर्स इन डेजर्ट। अब क्यों होता है, क्या होता है, तो ध्यान से देखें, ये बच्चों कुछ पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा अर्थ सरफेस को, राइट। और देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस पे ये कोई एक ट्री है जो बिल्कुल राइट स्टैंड खड़ा हुआ है। अब बच्चों अर्थ सरफेस का जो लोअर रीज़न है, वो लोअर रीज़न चूँकि वहाँ पे सैंड है तो वो कैसा होता है बच्चों, हॉट होता है। हॉट होता है मतलब वो किसकी तरह ट्रीट करता है, रेयर मीडियम की तरह। लेकिन जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर अपन जाते हैं बच्चों, तो वहाँ की जो एयर है वो कैसी होती है, कूल होती है। अब चूँकि एयर कूल है मतलब वो जो रीज़न है वो किसकी तरह ट्रीट करता है बच्चों, डेंसर मीडियम की तरह। और इन अदर वर्ड्स हम लोग बात करें तो जो कूल एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस हॉट एयर के कंपैरिजन में क्या है बच्चों, ज़्यादा है। दैट्स व्हाई जो अपर सरफेस है वो डेंसर मीडियम की तरह और जो लोअर सरफेस है बच्चों वो रेयर मीडियम की तरह क्या करती है, ट्रीट करती है। अब यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, राइट, ध्यान से देखिएगा, तो इस ट्री से जो चलने वाली लाइट रेज हैं वो डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम की तरह क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, नाउ दैट टाइम दिस लाइट रे विल रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। तो बच्चों इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो लाइट रेज है उसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र किया। व्हाई इट इज सो, बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। उस कंडीशन में ये जो रेज है बिल्कुल सेम मीडियम में क्या करती है, मूव कर जाती है। और ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये लाइट रेज इस पार्टिकुलर पॉइंट से आती हुई अपीयर्स हो रही है, मतलब ये ट्री है और इस ट्री की इन्वर्टेड इमेज कैसी देख पा रहा है, वो इसकी इन्वर्टेड इमेज देख पा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वर्टेड इमेज मोस्टली हमको कहाँ मिलती है, पानी में दिखाई देती है ना। दैट्स वाई इस पार्टिकुलर ऑब्जर्वर को इस रीज़न पे पानी होने का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, मतलब वो अपीयरेंस कर रहा है कि यहाँ पे वाटर हो सकता है। ऑब्वियसली वाटर है नहीं, दैट्स वाई दिस पार्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन एज मिरर्स इन डेजर्ट एंड बेसिकली इट इज ऑप्टिकल इल्यूशन। तो बच्चों समझ में आ गया, एक्चुअल यहाँ पे पानी नहीं है लेकिन फिर भी उस बंदे को इस पेड़ की उल्टी इमेज इस पार्टिकुलर रीजन पे दिखाई दे रही है। ये जो कुछ है इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दिस फिनोमिनन वंस अगेन इट इज नोन एज मिरर्स इन डेजर्ट। हिंदी में बात करें बच्चों तो इसको मृग मरीचिका भी बोला जाता है ना। बहुत पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो अरेबियन कंट्रीज होते थे वहाँ पे लोगों को सजा देते थे, उनको रेगिस्तान में खुला छोड़ दिया जाता था। जब खुला छोड़ते थे ऑब्वियसली गर्मी बहुत थी, उसको पानी की प्यास लगती थी, वो बहुत दूर से देखता था तो उसको कोई भी ट्री या जो भी एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखती थी, उसको लगता था कि यहाँ पानी हो सकता है, वहाँ जाता था लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता था और यही करते 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 वो उस रेगिस्तान में ख़त्म हो जाता था। तो ये जो एक उसकी जो चाह थी उसी को बोलते हैं हम लोग मरीचिका, है ना। तो हिंदी में बोले तो मरीचिका, इंग्लिश में बात करें तो क्या है बच्चों, मिराज, ठीक। सेकंड बच्चों जो फिनोमिनन है वह है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड।
जहाँ तक बच्चों डायमंड की बात करें, एक छोटा सा मैंने शेप बनाने की कोशिश करी है, जहाँ तक बच्चों डायमंड की बात करें तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो देख सकते हैं बच्चों कितना होता है, 2.42, और इसका जो क्रिटिकल एंगल है बच्चों वो लगभग होता है हमारा 24.41 के आसपास। बच्चों इस डायमंड के शेप को इस तरह से कट किया जाता है कि किसी भी सरफेस या किसी भी फेस के ऊपर जब लाइट गिरता है तो वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर करता है, मतलब उस पार्टिकुलर फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। दैट्स वाई हम किसी भी साइड से उसको देखें, किसी भी फेस से देखें, तो वहां से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट्स वाई डायमंड है वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों वैसे तो एग्जाम में ये पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कि व्हाट आर द कॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो केवल एक लाइन में हम लिख के बता सकते हैं, इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज इट। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चों, तो ये दो चीजें हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। सेकंड, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो वो हमने लिख दिया। नहीं भी आए तो अब कल अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो, म्यू विच इज इक्वल्स टू 1/sin θc, तो बच्चों वहां से जाके हम इस क्रिटिकल एंगल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों जो एप्लीकेशन है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। जहां तक ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल सिलेंड्रिकल ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चों ये हमारा आप देख सकते हैं एक फ्लेक्सिबल एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है, नॉट इट इज अ स्ट्रेट, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको इधर उधर हम मोड़ सकते हैं। और इस ट्यूब को बच्चों हम लाइट सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लाते हैं। जहां तक प्रिंसिपल की बात करें, तो वंस अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इज इट। बच्चों इस फाइबर ट्यूब को आप ध्यान से देखें तो इसके दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। दिस इनर सिलेंडर इज नोन एज कोर एंड दिस आउटर सिलेंडर इज नोन एज क्लैडिंग। जहां तक बात करें इनर सिलेंडर का, जिसको हम कोर भी बोल रहे हैं बच्चों, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। दैट मीन्स व्हाट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मच मोर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर कोर रीजन इज ट्रीटेड एज अ डेंसर मीडियम एंड दिस क्लैडिंग रीजन इज ट्रीटेड एज अ रेयर मीडियम। तो बच्चों समझ में आ गया, इनर वाला जो पार्ट है जिसको हमने कोर कहा है, उस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस आउटर सिलेंडर जिसको हम क्लैडिंग भी बोलते हैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। मतलब इनर वाला जो सिलेंडर है बच्चों वो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, डेंसर मीडियम की तरह, और आउटर वाला सिलेंडर बच्चों किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, रेयर मीडियम की तरह। अब ध्यान से देखें, जब किसी ऑप्टिकल सिग्नल को हम इस फाइबर ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, मतलब बेसिकली जो लाइट रेज है वो डेंसर मीडियम से और बच्चों कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, दैट मीन दिस पार्टिकुलर लाइट रेज विच इज इंटर्ड एट द फर्स्ट फेज सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। वंस अगेन एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट, वंस अगेन इट सफर total internal reflection and refract in the same medium and so on. That means inside this tube this incident signal suffers multiple, क्या बोला है मैंने ध्यान से देना, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों जो लाइट सिग्नल हमने यहाँ से इंटर किया था इस पूरी ट्यूब के अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को सफर करता है एंड अल्टीमेटली एट द फाइनल डेस्टिनेशन ये जो लाइट सिग्नल है बच्चों यहाँ से बाहर आ जाता है। मतलब कितनी छोटी सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वंस अगेन डिपेंड्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों ये तीन एग्जाम्पल्स थे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड थे। तो कभी किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में कभी इनकी वर्किंग के बारे में बात आए है ना कि व्हाट आर द कॉज ऑफ दीज रीजन, तो केवल हमको एक ही लाइन एग्जाम में लिख के आ जाना है तो भी हमको मार्किंग मिल जाएगा कि ऑल दिस फिनोमिना इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑल दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों।